हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी टर्म्स है, कॉन्फिग्रेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, इनेंशियोमर्स। तो ये वाली जो हमारी टर्म्स होती हैं, इनके बीच का हम रिलेशन देख लेते हैं। बेसिकली आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू इनको याद रख सकते हैं कि ठीक है किसके अंडर में किस तरीके से आते हैं। तो हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे, उसके बेसिस पे आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री है सबसे पहले टर्म इसके अंदर। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है, इसकी एक डेफिनेशन है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, यहां पर हम रिलेटिव बात करते हैं, ठीक है। सो रिलेटिव इसने बोला एक स्पेशियल अरेंजमेंट। नाउ स्पेशियल अरेंजमेंट मीन्स अरेंजमेंट इन स्पेस। स्पेस इज थ्री डायमेंशनल स्पेस। सो 3D का मतलब है कि थ्री डायमेंशनल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम स्टीरियो केमिस्ट्री को 3D केमिस्ट्री भी बोल देते हैं। सो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हमारा जो भी मॉलिक्यूल है उसके जो एटम्स हैं या जो भी ग्रुप्स हैं उनका थ्री डायमेंशनल स्पेस में, यानी कि ये जो 3D स्पेस है ना, इसके अंदर उनका अरेंजमेंट किस टाइप का है, किस तरीके से वो अरेंज है, उसको हम बेसिकली स्टडी करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। तो यहां पर हम इसको बोल देते हैं इसलिए 3D केमिस्ट्री। सो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं, तो यहां पर मैंने सबसे पहली चीज लिखी है, डू द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो भी मेरा कंपाउंड है क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मान लो यहां पर भी कोई कंपाउंड है, यहां पे कोई है, ठीक है। तो इन दोनों का जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे कि अगर यहाँ पे कार्बन 11 है, हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इधर भी बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अगर आपका जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसमें देखो दो कंडीशन आती है। इफ आई से यस, अगर मैं बोल रही हूँ कि जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस yes. तो सेम है तो उसका मतलब वो क्या है, आइसोमर है ना, क्योंकि आइसोमर की तो डेफिनेशन ही यही होती है। आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स होंगे हमारे जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, ठीक है ना। उनका जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वो आइसोमर्स होंगे। सो आइसोमर है तो यानी कि उसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं बोल रही हूं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे कि वो आइसोमर नहीं है, बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे पहली चीज जो पता लगी है कि अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट मींस कि वो आइसोमर्स हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि आइसोमर तो है। नाउ सेकेंड थिंग इसके अंदर आती है, यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख रही हूं इसी लाइन के ऊपर, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, इससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहली चीज थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हाँ है, तो मतलब आइसोमर है। डू द कंपाउंड्स, मैंने लिखा है डू द कंपाउंड्स हैव सेम कनेक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर अब हमारा आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, क्या कनेक्टिविटी उनके अंदर सेम है, सेम सिंपल है भाई, वही दो कंडीशंस आती है हमारे पास में। कंडीशन वही है कि या तो नहीं होगी या तो होगी, तो यहां पर हम ले लेते हैं कि नहीं है और यहां पर हम ले लेते हैं कि है, ठीक। अगर कनेक्टिविटी सेम है तो हम उन्हें बोलते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। अगर कनेक्टिविटी सेम है तो, अगर कनेक्टिविटी सेम नहीं है तो हम उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है ना। तो पहली चीज मैंने किस बेसिस पे देखो डिवीजन किया है, मतलब पहली चीज जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइसोमर्स हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम एंड कनेक्टिविटी इज ऑल्सो सेम, दैट मीन्स स्टीरियो आइसोमर्स है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कनेक्टिविटी सेम नहीं है तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। देखो यहां पर मैं बता देती हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल में आप ये देख सकते हो
कि मैंने बोला कि कनेक्टिविटी सेम नहीं है। कैसे बताएंगे इस चीज को? ये देखो, यहां पर मैंने इस तरीके से ले लिया, ठीक है, और सेकेंड चीज मैंने ले ली यहां पर इस तरीके से। अब देखो यहां पर क्या, आपको इनकी कनेक्टिविटी कुछ सेम लग रही है, डिफरेंट लग रही है? कनेक्टिविटी में मतलब है कि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स देखो, बॉन्ड्स का सीक्वेंस देखो, ये कुछ अलग चीज है और ये कुछ अलग चीज है। यहां पर देखो तो ऑक्सीजन बिल्कुल लास्ट में आ रहा है हाइड्रोजन के साथ में, ऑफकोर्स, तो यहां पर एक तरीके से ये क्या बन रहा है, OH ग्रुप आ रहा है, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप है। तो यहां पर आपका ये OH ग्रुप बन रहा है और इस वाले में आपका ये जो ऑक्सीजन आइटम है ये इस आर के और इस आर ग्रुप के बीच में आ रहा है, सो दैट मीन्स इट्स ईथर, है ना। तो ये आर ओ आर बन रहा है, ये आर ओ एच बन रहा है, तो यानी कि ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। यहां पर इसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले ही सेम होगा लेकिन कनेक्टिविटी डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो एकदम डिफरेंट कंपाउंड है ये, और इनके अंदर जो सीक्वेंस है बॉन्ड्स का वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपके कौन से हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, बड़े सिंपल सी चीज से समझने के लिए, ठीक है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट आता है आपका स्टीरियो आइसोमर्स। तो अब यहां पर हमारा इसका डिवीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर देखते हैं। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर डिवीजन करेंगे। देखो अब इसके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर मैंने लिखा है कि हमें ये तो पता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसकी कनेक्टिविटी भी सेम है, इसलिए वो स्टीरियो आइसोमर तो है। अब इसके अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं किस बेसिस पे, कि जो हमारा कंपाउंड है उसको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, मतलब जो सिंगल बॉन्ड है उसके अबाउट अगर हम रोटेशन करते हैं तो क्या हम उस कंपाउंड को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसके अंदर भी सिंपल सी चीज है, दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। सो इसको मैं हटा के वापस से मैं ऊपर लिख देती हूं, ठीक है। सो इसी वाली चीज को यहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा एरो आ रहा है किससे, स्टीरियो आइसोमर से, ठीक है। तो यहां पर है कि क्या हम रोटेशन कर सकते हैं अबाउट सिंगल बॉन्ड, मैंने ऐसे लिखा है जस्ट रफ में, इसलिए मैं आपको बोल के बता रही हूँ रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है या नहीं है। तो यहां पर मैं लिख रही हूं कि नहीं है पॉसिबल, मतलब नहीं है पॉसिबल, नो लिख देंगे। यहां पर हम लिख लेते हैं कि पॉसिबल है। सो अगर जो सिंगल बॉन्ड है उसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, सो दैट मीन्स कि वो हमारा कॉन्फिगरेशनल है, एफ आई आएगा इसमें, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो एफ आई वाला लिखना है, कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है तो फिर हमारा कौन सा है, कॉन्फॉर्मेशनल। इधर आई वाला लिखना है, एफ के बाद आई है, इधर एफ के बाद ओ है। सो यहां पे आप देख सकते हो, देखो मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड जो है उसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है तो हम उनको कॉन्फॉर्मेशनल बोल देते हैं, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मेशनल में आप कुछ इस तरीके का केस देख सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो, मेरे पास में ये है, ठीक है। ये जो बीच में दोनों काले काले हैं ये कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। बीच में देखो आप सिंगल बॉन्ड है इनके, इधर तीन कोई ग्रुप है, इधर तीन कोई ग्रुप है, ठीक है ना। इस तरीके से जो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा है ये। तो अगर आप देखोगे तो ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैसे हैं, इसको आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप इस वाले कार्बन को फिक्स रखते हो, ठीक है, और ये जो बीच वाला बॉन्ड है इसको मैं इस तरीके से रोटेट करती हूं, तो आप देख सकते हो अलग अलग कॉन्फॉर्मर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के अंदर बेसिकली हम दो टाइप के पढ़ लेते हैं, एक तो हमारा क्या हो जाता है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो अगर मैं बात करूं इस ग्रीन वाले के पीछे अभी ये व्हाइट वाला आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, एक को हम फिक्स रख के दूसरे को रोटेट करेंगे ना,
तो ये बॉन्ड जो है इसके अबाउट रोटेशन की वजह से हमारे पास में ये अलग अलग कॉन्फॉर्मर्स आते हैं। अब देखो ग्रीन के पीछे फिर से ग्रीन आ गया है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली से ये चीज है कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन इसमें पॉसिबल है, ठीक है ना। इस टाइप का अगर आप देखोगे मॉलिक्यूल तो यहाँ पे ऐसे ही बात कर रही है, तो यहाँ पर ये यह आपको हो जाता है कॉन्फॉर्मेशनल, पॉसिबल है ना, इसमें बीच का जो सिंगल बॉन्ड है उसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पर जो कॉन्फिग्रेशनल है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। सो कॉन्फॉर्मेशनल जो मैंने आपको दिखाया है ना उसमें कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इधर आप मान लो कोई सीएल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और यहां पर भी हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना। तो फिर यहां पर अब हम मान लेते हैं कि इस तरीके से हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक सिंगल बॉन्ड ये सीएल है। सो बेसिकली इधर तीन ग्रुप हो गए, इधर तीन ग्रुप हो गए, बीच में ये सिंगल बॉन्ड हो गया। इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करोगे इस तरीके से, तो यहां से रोटेशन इस तरीके से पॉसिबल है। रोटेट करेंगे अलग अलग हमारे पास में कॉन्फॉर्मेशन बन जाएंगी, ठीक है। तो उसके अंदर हम न्यूमैन और सॉवर्स प्रोजेक्शन को पढ़ते हैं, जिसमें हमारा एक लिप्स ऑफ स्टैगर्ड बनता है, एंगल वगैरह, टॉर्शन एंगल, ये सब हम पढ़ते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहीं तक रह गया है, अब हम आते हैं इसके ऊपर कॉन्फिग्रेशनल के ऊपर। कॉन्फिग्रेशनल है, कॉन्फिग्रेशनल कब बोला है मैंने, जब हमारा सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है तब, ठीक है। तो कॉन्फिग्रेशनल में अब हम डिवीजन कर लेते हैं किस बेसिस पे, मैंने लिखा है कॉन्फिग्रेशन के अंदर इज द आइसोमेरिज्म एट टेट्राहेड्रल कार्बन। कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर है, लेकिन जो हमारा आइसोमेरिज्म हो रहा है वो टेट्राहेड्रल कार्बन पर है या फिर नहीं है। इसके अंदर भी सिंपल दो केस आएंगे कि टेट्राहेड्रल कार्बन हमारा नहीं है, अगर नहीं है हमारा टेट्राहेड्रल कार्बन जहां पर हमारा आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, सो दैट मीन्स कि वो हमारा कौन सा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। और अगर हमारा टेट्राहेड्रल पे हो रहा है सो दैट मीन्स कि वो कौन सा है, ऑप्टिकल, ठीक है। कैसे डिवीजन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ कि टेट्राहेड्रल कार्बन वहां पे है या फिर नहीं है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है उसके अंदर हमारा टेट्राहेड्रल कार्बन नहीं होगा। सो टेट्राहेड्रल देखो और आइसोमेरिज्म जो है वो हमारा टेट्राहेड्रल कार्बन नहीं होगा। इसके अंदर हम कौन से एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसके अंदर आता है सिस और ट्रांस, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लो इस तरीके से लोगे, आपका सिस हो गया, ये आपका ट्रांस हो गया। सो ये वाला आपका सिस है, ठीक है। अगर आप इसको बनाना चाहो तो सी डबल बॉन्ड सी होता है, CH3H, ये कैसा है, सिस है, ठीक है। दोनों CH3 एक तरफ है, तो ये आपका, इसका आप नाम दे दो, ये आपका देखो कैसे हो जाएगा, सिस ब्यूट टू ईन। ब्यूट है ना, चार कार्बन है और टू पे ईन यानी डबल बॉन्ड है। इसी तरीके से अगर आपका हाइड्रोजन यहां पर होता और CH3 आपका इस तरीके से होता तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ट्रांस है, ठीक है। तो आपका आ जाता सीधा ट्रांस ब्यूट टू ईन, बस इतना फर्क है इनमें। सिस का है कि दोनों आपके जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो एक तरफ, इसका मतलब है कि ऑपोजिट साइड में है, सिंपल। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे व्हेन आइसोमेरिज्म इज नॉट एट टेट्राहेड्रल कार्बन, सो दिस इज सिस एंड ट्रांस। इसके अंदर आपके सेम नंबर ऑफ देखो एटम्स हैं, सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं, यहां पर जस्ट आपका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। और यहां पर आपका देखो सी डबल बॉन्ड सी बन रहा है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, सो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसीलिए यहां पर जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। वहां पर क्या था, सिंगल बॉन्ड था ना, तो रोटेशन पॉसिबल है भाई, इसको रखो यहां पे कांस्टेंट, इसको घुमाते रहो इधर से, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, ये ऐसे तरीके से बंद गया है बिल्कुल इस तरीके से, सो यहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। नाउ सेकेंड इज ऑप्टिकल। सो ऑप्टिकल के अंदर, ऑप्टिकल में भी देखो सेम ही चीज है, सेम नंबर ऑफ आपके एटम्स होंगे, सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स होंगे, जस्ट
यहाँ पर जो आपका आइसोमेरिज्म है दैट इज एट द टेट्राहेड्रल कार्बन एटम, यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल पे है, यहाँ पे नहीं है। अब ऑप्टिकल के अंदर हम फिर से डिवीजन कर देंगे, डिवीजन आपको करना है किस बेसिस पे, मैंने लिखा है आर द कंपाउंड्स मैंने लिखा क्या है आप देख सकते हो, आर द कंपाउंड्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मैंने ये लिखा है। अब जो हमारा कंपाउंड है क्या वो नॉन सुपर इम्पोजेबल यानी कि वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है और मिरर इमेज है, ठीक है। तो यहां पर सेम वही ऑप्शन है या तो नहीं है, सो नो और यस। तो अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है सो दैट मीन्स कि वो क्या है, डायस्टीरियोमर। और अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की तो हम उनको बोलेंगे सिंपल इनेंशियोमर्स। इसको हटा देते हैं। तो इसके अंदर दो ही चीजें हैं, इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर। इनेंशियोमर्स क्या है, इनेंशियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जहां पर मैंने यस लिखा वहीं पर मैंने इनेंशियोमर का नाम लिखा। सो इनेंशियोमर क्या है, हमारा वो स्टीरियो आइसोमर है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है लेकिन मिरर इमेज है एक दूसरे की। कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन है, इधर मैंने लगा लिया सीएल, ठीक है, यहां पर हमने ले लिया सीएच टू सीएच थ्री, सीएच थ्री है और यहां पर मैंने लिया है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ हमारे पास में है, यहां पर आप देख सकते हो सीएल, यहां पर मैं सीएच टू सीएच थ्री सीएच थ्री एच। तो अगर आप इसकी यहां पे मिरर इमेज बनाना चाहोगे तो यहां पे अगर मिरर है, ठीक है, तो ये मिरर अगर लगाओगे ना तो ये कैसा दिखेगा, ये हाइड्रोजन इधर आता हुआ दिखेगा इस तरीके से, ये सीएच थ्री आपको दिखेगा इसके बाद में यहां पर जो है, ठीक है ना, ये सीएच थ्री इधर आ जाएगा और जो सीएच टू सीएच थ्री इस तरफ है ये जाएगा इधर। तो ये दोनों इनेंशियोमर कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, आप देख सकते हो ये एक तो ये देखो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, अगर आप बीच में मिरर को लगाते हो तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा आपको। सो ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है और अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखते हो तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करने वाले हैं, सो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। इनेंशियोमर्स के अंदर सिर्फ आपका जो है साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन जो प्लस माइनस है सिर्फ उसका डिफरेंस आता है प्रॉपर्टीज के अंदर। सो ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, इट इज द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। पीपीएल को रोटेट करने की एबिलिटी जिसमें होगी सो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, नहीं है तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा, पता लगता है पोलैरिमीटर से। तो पोलैरिमीटर वो डिवाइस हो जाएगा जिससे आप मेजर करोगे कि कौन सा आपका जो ये कंपाउंड है वो कितना ऑप्टिकल रोटेशन शो कर पा रहा है, यानी कि वो कितना एबिलिटी रखता है इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की, ठीक है, प्लस में माइनस में कैसे भी। तो यहां पर जैसे मैंने ये लिखा है एग्जाम्पल, अगर इस तरीके का है तो आप इसकी मिरर इमेज बना सकते हो, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है, ये सी डबल एच तो सबसे ऊपर ही है, इस तरीके से ही रहेगा। इधर की साइड क्या आ रहा है, ओ एच आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ एच, इसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे है एच और फिर यहाँ पे जा रहा है सी एच थ्री, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, लैक्टिक एसिड लिखा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। एक लैक्टिक एसिड वो होता है जो हमारा मिल्क के फर्मेंटेशन से बनता है और इनमें से एक लैक्टिक एसिड वो हो जाएगा जो हमारी मसल्स में बनता है जब हम एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी है और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इसको आप एज इट इज उठा के इसके ऊपर डालोगे तो ओ एच यहाँ है इसमें लेकिन ओ एच इसका यहाँ आएगा, इसका सी एच थ्री यहाँ पर है लेकिन अगर आप इसको रखोगे इसके ऊपर तो सी एच थ्री यहाँ पर आएगा।
सो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके इनेंशियोमर का ही एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा था डाइस्टीरियोमर का। डाइस्टीरियोमर्स भी हमारे स्टीरियो आइसोमर्स है, लेकिन वो मिरर इमेज ही नहीं है एक दूसरे की। इनेंशियोमर्स में वो मिरर इमेज तो है, लेकिन वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा एक दूसरे को। लेकिन डाइस्टीरियोमर के अंदर है कि वो मिरर इमेज है ही नहीं, वो टोटली डिफरेंट कंपाउंड है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है एकदम। तो यहां पर ये मिरर इमेज ही नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन, ठीक है। एक तो मैंने ये लिया है कंपाउंड, देख सकते हो आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर है, इधर तो सी एच थ्री है और इधर सी एल और बी आर है। और अगर नेक्स्ट कंपाउंड को जिस तरीके का है, इधर सी एच थ्री है, इधर सी एच थ्री है, इस पे हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है, इस पे आ गया सीएल, और यहां पर अभी भी सेम ही है वही हाइड्रोजन, और यहां पर मैंने रख दिया बीआर। अब आप देखो ये और ये क्या आपको एकदम सेम लग रहे हैं कहीं से भी, या एक दूसरे की मिरर इमेज ही कहीं से लग रहे हैं? ये एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, ठीक है ना। तो ना तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और ना ही ये सुपर इम्पोजिबल है कहीं से भी। सो इस टाइप के कंपाउंड को हम डाइस्टीरियोमर्स बोल देते हैं। ऊपर मैंने CH3 लिया है, यहां पर मैंने लिया देखो H और इधर OH है, इधर H है और इधर Cl है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने यहां पर ले लिया है H और OH, और यहां पर मैंने लिया है Cl और H। अब भी आप देख सकते हो ना तो ये मिरर इमेज है ना तो ये सुपर इम्पोज हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये मिरर इमेज होती तो यहां पर ये OH है तो यहां पर H आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर OH है और यहां पर H आ रहा है, ये मिरर इमेज तो नहीं है इसकी। तो यहां पर सिर्फ आप देख सकते हो एक बॉन्ड को मैंने यहां पे चेंज कर दिया, यहां पे H और यहां पे Cl इस वाले को। सो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, सुपर इम्पोज नहीं होने वाला है और ना ही ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। सो ये हमारे हो जाते हैं डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, देखो मैंने बोला ना कि वो टेट्राहेड्रल कार्बन पे है या फिर नहीं। तो अगर ये टेट्राहेड्रल कार्बन है मानो, तो इनेंशियोमर्स की अगर बात करते हैं, इनेंशियोमर्स जो मैंने बोला था, तो ये इनेंशियोमर है और एक ये भी इनेंशियोमर्स है, ये दोनों है, ठीक है। तो इन दोनों को हम इनेंशियोमर्स देखो कब बोलेंगे, अगर आप इन पे ध्यान दो तो, अगर आप इन दोनों के बीच में देखो मिरर रखते हो तो ये दोनों ऐसे दिखेंगे ना। अगर आप इसको रखते हो और इसकी मिरर इमेज देखोगे तो वो ऐसी तो दिखेगी, या तो इसको रख लो या तो इसको रख लो। तो इनकी मिरर इमेजेस कैसे दिखेंगी, कुछ इस तरीके की। तो हम ये दोनों ही तो ड्रॉ करते हैं ना इस तरीके से, तो मैंने ये दोनों दिखाए हैं। तो अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाते हो तो वो इस तरीके की दिखने वाली है ना। तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर्स। ये रहा व्हाइट, व्हाइट यहां पर अगर आप मिरर रखते हो तो ग्रे वाले के पास में इधर ग्रे वाला आएगा, ये ग्रीन वाला जो है ये पीछे की तरफ ही आएगा, और साइड में कौन सा जाएगा, ये रेड वाला, ठीक है। आप कंपेरिजन करके देख सकते हो मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इनकी मिरर इमेज है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको वो फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से जो है आप इनको रिमेम्बर रख सकते हो, याद रख सकते हो। इनके अंदर इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह भी होती हैं, कुछ और टर्म्स होती हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है, उनको हम आगे की अभी वीडियोस के अंदर देख लेंगे। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।